मैं डॉक्टर प्रिया रत्ता आईएसएम डिस्पेंसरी कोटा में पोस्टेड हूँ। यहाँ पे हमने आज एक कैंप लगाया है इम्यूनो मॉड्यूलेटर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हम पहले भी ऐसे कैंप्स कई जगह लगा रहे हैं, लेकिन लोगों से ये अपील है हमारी, हमने देखा है कि लोग यहाँ से तो दवाई लेके चले जाते हैं, लेकिन उसमें से मुश्किल से 30-40% लोग ही हैं जो कि ये दवाई का इस्तेमाल भी करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं, और बाकी के मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो ये सिर्फ घर पे रख देते हैं शोभित बना के। तो इन लोगों से ये अपील है कि अगर हमारे डायरेक्टर आई एस एम डॉक्टर मोहन सिंह, हमारे ADMO सर डॉक्टर विक्रम सिंह जम्वाल और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अगर ये सब इन जनता के लिए, इस देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इन लोगों के लिए ये फ्री मेडिकल कैंप्स इतनी अच्छी और इतनी कॉस्टली मेडिसिन फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि ये लोग एटलीस्ट इसको एक बार इस्तेमाल करें और इनका रिजल्ट देखें, सो दैट इन्हें भी आयुर्वेद पे यकीन हो। ऑल्दो लोगों को आयुर्वेद पे धीरे धीरे काफ़ी यकीन हो रहा है, बट फिर भी जो सही यकीन है, जो इन दवाइयों का फ़ायदा है, जो सरकार इन पे पैसा खर्च रही है, एटलीस्ट वो किसी के काम है। तो इसलिए मेरा यही संदेश है कि ये लोग इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, साथ में सुबह योग फॉलो करें और जो है अपने मन की शांति के लिए मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगी और हम इस कोरोना महामारी से बच पाएंगे। ऑलरेडी हमारे इंडिया में ही हमने देखा कि 80% लोग जो हैं वो इससे जो है इम्प्रूव हो रहे हैं, वो रिकवर हो रहे हैं। तो ये रीज़न कहीं ना कहीं हमारा आयुर्वेद और योग जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग शुरू से ही आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं, जो घर के देसी मसाले हैं, जो हल्दी है, जो दालचीनी है, ये चीज़ें शुरू से ही यहाँ के बच्चे खा रहे हैं, और यहाँ के लोग जो हैं वो इस एनवायरनमेंट में जहाँ रहते हैं, जो देसी खाना खाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है रिस्पॉन्सिबल है यहाँ के लोगों की रिकवरी के लिए। तो इन लोगों से मेनली यही है, एक तो आयुर्वेद को फॉलो कीजिए, योग को फॉलो कीजिए और इन मेडिसिन का यूज़ करें, और ताकि इनका रिजल्ट देखें और हमें भी अच्छा लगे कि भाई हमने जो मेडिसिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतना आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो किसी के काम है।